मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि उनके रिलेटिव्स कौन है, नॉन फेलोज कौन है, ब्लड रिलेशन कौन है, किसको अंदर जाने की। ऑलरेडी अब 150 से 200 लोग अंदर पहुंच चुके हैं। पहले ये कहा गया था कि सिर्फ हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स ही अंदर जाएंगे। अब ऐसे में फैमिली मेंबर्स कौन है, उनका क्या रिलेशन है, और ऐसे में सबकी आइडेंटिटी चेक करना पुलिस के लिए बहुत बड़ी टास्क माना जा रहा है। जी, तो जनाजे का लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जनाजे की ये तस्वीर एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। मिट्टी में मिलने जा रहा है मुख्तार अंसारी, और इस बीच अब नमाज जैसे ही खत्म हुई उसके बाद जनाजा अब आगे बढ़ रहा है। ये नमाज अता की जा रही थी, जो जनाजे की नमाज होती है, और उसके बाद अब आगे का प्रोसीजर होगा, यानी कि यहां से निकल चुका है अब जनाजा। एक बार फिर से देख सकते हैं आप, ग्लास के ताबूत में शव को रखा गया है, और अब थोड़ी देर में कब्रिस्तान जनाजा पहुंच जाएगा और वहां पर दफना दिया जाएगा, दहशत को दफना दिया जाएगा, जो आतंक का पर्याय एक वक्त में बन चुका था, जिसने अपना डर खौफ इतना कायम कर दिया था लोगों के अंदर कि लोग थरथर कांपते थे। लेकिन फिर भी आप देखिए उनके समर्थक यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि 5 बार विधायक भी रहे, तो अपनी जो जमीनी पकड़ थी वो भी देखने को यहां पर मिल रही है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे सीधा लाइव, ये देखिए आप, भीड़ को कंट्रोल करना पुलिस के लिए कितना मुश्किल हो रहा है वो इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, और पुलिस हालांकि मौके पर मौजूद है। अब पुलिस ने रस्सी भी एक लगा दी है वहां पर, ताकि कोई भी ऐसी भीड़, कोई भी असामाजिक तत्व कब्रिस्तान के अंदर एंट्री ना कर पाए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल ये चीज़ें रहती हैं, संवेदनशील हो जाता है अंदर जाते हैं जब, तो वहाँ पर जो मिट्टी डालते हैं लोग वो भी नियर एंड डियर वन ही डाल पाते हैं। अगर कोई भी और पहुँचता है तो वो माहौल को ख़राब ना करे। कब्रिस्तान के अंदर किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, सब लोग बाहर ही मौजूद रहेंगे, और इसकी तैयारी पूरी पुलिस ने कर ली है। अमित गंजू मेरे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं इस पर। अमित, एक बार फिर से जहाँ पर नमाज अदा की जा रही थी, एक बड़ी तादाद में बड़ा हुजूम वहाँ पर समर्थकों का दिखाई दिया, अब वहां से निकल चुका है जनाजा। शीनम जी बोलिए बोलिए। अमित देखिए, अब एक हजूम अलग अलग इनके अफजाल अंसारी, सांसद अफजाल अंसारी देखे देखे जा सकते हैं, सर पे व्हाइट कुर्ता और पजामा पहने, सर पे इन्होंने गमछा पहना है, ये भीड़ उन्हीं के साथ की है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए अफजाल अंसारी अब पहुंच रहे, क्योंकि इनके भाई हैं और सांसद भी हैं यहाँ के, सीधे देखे जा सकते हैं यहाँ। जी, ये देखे अफजाल अंसारी इस वक्त न्यूज 18 के कैमरे में देखा जा सकता है कि अफजाल अपने जो इनके साथ के लोग इनको लेके सीधे अब इतने हजूम एक साथ अब अंदर जा रहा है। देखिए देखिए, अब दरवाजे को खोल दिया गया है, दरवाजे को खोल दिया गया है, और ऐसे में देखिए अफजाल खुद समझाने का प्रयास कर रहे हैं अंसारी की अंधी इतनी भीड़ ना आए, क्योंकि देखिए लोगों को लोगों को बताने का प्रयास किया जा रहा है, वो खुद देखे समझा रहे हैं, सांसद लोगों को हाथ से देखो दिखा रहे हैं कि आप अंदर ना, अंदर को कोई काम नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों से बात हो चुकी है, उनको समझाया जा रहा है, तो समर्थक और सब मान गए, इनको रोक लिया गया है। देख सकते हैं आप, इनको हाथ से दिखाया जा रहा है कि जितने लोग के लिए परमिशन ली गई थी या जितने लोग परिवार के वही इसमें रह सकते हैं, सबका आना पॉसिबल नहीं है, और ऐसे में सांसद वहां खड़े होकर सबको समझा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखा हमने तस्वीरों में अमित कि सिर्फ अफजाल अंसारी अंदर गए और बाकी की भीड़ जो उनके साथ आई थी, बाकी के जो समर्थक जो भी लोग उनके साथ आए थे, उन्हें बाहर ही रोक दिया गया, और ये जरूरी भी हो जाता है सुरक्षा के लिहाज से, ताकि कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व इस भीड़ के साथ साथ अंदर ना पहुंच जाए। और मुख्तार के जनाजे की सीधी लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, और अब आप देखिए कब्रिस्तान के बाहर भी कितनी भीड़ इकट्ठा हो गई है, और ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में। अमित, पहले के मुकाबले हम देख पा रहे हैं कि अब कब्रिस्तान के आगे जो बिल्कुल क्लियर था पाथ, जो रास्ता बिल्कुल क्लियर था, वो पूरी तरह से भर गया है। तो ऐसे में अब आने वाले वक्त में जैसे जनाजा पहुंचेगा उसके साथ भी बहुत सारी भीड़ होगी, तो ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करना, मैनेज करना एक बड़ी चुनौती यहां पर बन जाएगी पुलिस के लिए। अमित, तो लगता है अमित से बातचीत नहीं हो पा रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, और हमारे साथ ऋषभमणि त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं, रवि पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी रवि के पास चलते हैं। रवि, आपके पास कोई जानकारी हो, कोई अपडेट हो?
जी बिल्कुल, देखिए कुछ ही पलों में जो है वो जनाजा यहाँ कब्रिस्तान के कब्रिस्तान में एंट्री कर जाएगा, लेकिन जिस तरह से माव है, जिस तरह से समर्थक भीड़ लगाए हुए उसके कारण जो जनाजा है वो काफ़ी धीरे आ रहा है, वरना अब तक जनाजे को कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश कर देना चाहिए। लेकिन जो पहला अफजाल अंसारी के साथ आपने देखा कि अफजाल अंसारी के साथ सैकड़ों जो समर्थक हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन एक तस्वीर जो देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि पुलिस प्रशासन लगातार कल से परिवार के लोगों से ये बातचीत करता आया है कि जनाजे को एक सकुशल तरीके से पूरा जो सुपुर्दे खाक का जो पूरा योजना है वो संपन्न करवाया जाए। इसके लिए परिवार का समर्थन लगातार पुलिस जुटाई उनसे बात करती रही और उसका एक तस्वीर सामने दिखा कि अफजाल अंसारी खुद लोगों को समर्थकों को मना करते हुए दिखाई दिए कि सब कोई जो कब्रिस्तान के अंदर है वो प्रवेश न करे, तो साफ उसके बाद जो प्लान थी वो प्लान दिखती हुई नजर आई और अफजाल अंसारी अंदर घुसे और जो समर्थक हैं वो बाहर रुक गए। लेकिन यह जो भीड़ है, अब जो जनाजे के साथ जो भीड़ है वो भीड़ किस तरह से रूप दिखाती है, वो भीड़ क्या करती है, उसको जो पुलिस से लगातार जो बात होती आई है वो कारगर साबित होगी। हालांकि पुलिस का ये दावा रही है कि हम जिस प्लानिंग पे काम करते आए हैं वो प्लानिंग हमारा सक्सेस होगा और जो समर्थकों की जो ये भीड़ है वो सकुशल जो सुपुर्दे खाक का जो पूरा जो क्रियाक्रम है वो संपन्न करवाएगी, इससे कोई इसमें कोई भी शरारती तत्व को कोई मौका नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, किसी को एंट्री नहीं करने दी जाएगी और पूरे तरीके से यहाँ पर सेलेक्टिव लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। जैसा आपने अभी देखा अफजाल अंसारी गए लेकिन बाद में जो भीड़ इकट्ठा थी वो भीड़ अंदर नहीं जाने दी गई। अमित, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ मिनटों में, कुछ ही देरी में इतनी बड़ी तादाद यहाँ पर बढ़ गई लोगों की, लगा नहीं था कि मुख्तार अंसारी के जनाजे में या फिर कब्रिस्तान के बाहर इतना लोग पहुंचेंगे, जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा ही लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अमित, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा शीनम कि LIO की अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो LIO के जो कांस्टेबल और LIO के सब इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट बनाई थी, उसमें बताया गया था कि 8 से 10 हजार लोग पहुंच सकते हैं। ये परसों की रिपोर्ट थी जब जिस दिन वो एक्सपायर किए और उसके बाद चीजें कुछ बदली और अब अफजाल अंसारी लोगों को बोलते हुए कि इस साइड से हटिए, दूसरा साइड जाइए, लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए क्लोज तस्वीरें अफजाल अंसारी की दिखाते रहिए। अफजाल अंसारी भीड़ को समझाते हुए और भीड़ को बताते हुए कि आप लोग यहाँ भीड़ इकट्ठा मत करिए, उन्होंने हाथ भी जोड़ा भीड़ के सामने। और अब देखिए अफजाल अंसारी जो है यहाँ पर देखिए लगातार लोगों से अपील करते हुए कि पीछे की तरफ जाइए। पहले मुख्तार अंसारी के एक परिजन को हमने देखा कि किस तरीके से वो बाहर आके अनाउंस किए, उसके बाद लोग जो है देखिए एक शख्स को मुख्तार अंसारी बोल रहे हैं कि आप लोग यहां से हटिए, लोगों को समझाते हुए मुख्तार अंसारी की तमाम क्लोज तस्वीरें दिखाते रहिए। युगल सपना, आप ये सारी तस्वीरें देख सकती होंगी इस वक्त यहाँ पर, और अफजाल अंसारी किस तरीके से यहाँ पर लोगों को समझा रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और अमित गंजू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अमित, आप जानकारी दे रहे थे अफजाल अंसारी को, तो अभी भी हमने देखा वो भी यहाँ पर अपने साथ आए हुए समर्थकों को, भीड़ को ये कहते नजर आए कि आप सभी बाहर रुको और सेलेक्टिव लोगों को ही अंदर एंट्री मिल पाई। देखिए शीनम जी, जिलाधिकारी और SSP दोनों अब लोगों को माइक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर वो यहाँ खड़े रहेंगे तो जनाजा जो यहाँ उनकी आखिरी यात्रा है यहाँ अंदर उनको लेके सुपुर्दे खाने उसमें हो सकता है दिक्कतें हैं, उनको समझाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और यहाँ तक कि उनके समाज के लोग भी एक एक करके पहुंच रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा देखिए आप इसको पैन करके दिखाइए कि जनाजे की जो अंतिम यात्रा है वो पहुंचने वाली है और धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग गलियों से, कूचों से, खेतों के अंदर से होते हुए यहां पहुंच रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन उपेंद्र से कहूंगा कि इसको थोड़ा और पैन करिए, देखिए कहां कहां से लोग निकलते चले आ रहे, क्योंकि नमाज जो अदा होनी थी वो 15 से 20 मिनट पहले हो चुकी है और ऐसे में जो भी लोग हैं, आप चाहे युवा हो, वृद्ध हो, जितने भी लोग इस गांव से जुड़े हुए हैं, इस कस्बे के जुड़े हुए हैं, इस पंचायत से जुड़े हैं, इस तालुका से जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे करके यहां पहुंचते जा रहे हैं। और अब यहां से देखे अब एक एक करके इनको गेट के सामने से भी हटाने का पूरी बात चल रही है। जिलाधिकारी इसमें पूरी यहां समझाने का प्रयास कर रही थी, SPCT समझाने का प्रयास कर रही थी और ऐसे में कहीं ना मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा इसको थोड़ा और पैन करके दिखाइए, देखिए गेट को पूरा क्लियर कर दिया गया है, गेट को पूरा ताकि जो पहले से हम सुबह से कह रहे थे कि सिर्फ सेलेक्टिव लोग अंदर जाएंगे, जो नॉन फेलोज जाएंगे, अब रास्ते के पीछे लोगों को करा जा रहा है। देखिए
पुलिस के अधिकारी जिलाधिकारी खुद समझा रही हैं, एसपी सिटी खुद समझा रहे हैं कि रस्सा जो खींचा गया उसके पीछे लोग जाएं, सड़क पर यहाँ खड़े रहें। प्रशासन के लिए वाकई बहुत बड़ा टास्क है कि अब इतने लोगों को कैसे समझाया जाए। हालांकि फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एसएसपी खुद हाथ में माइक लेके लोगों को बता रहे हैं कि जगह खाली करें, जगह खाली करें। यहाँ इनके समाज के अंसारी समाज के लोगों से भी कहा जा रहा है कि अननेसेसरी भीड़ न लगाएं। जिनको जिनको अंतिम दर्शन करने थे उन्होंने अंतिम दर्शन कर लिए, और ऐसे में देखिए रस्सी बुला दी गई है, रस्सी को अब पूरा घेराबंदी करके इस रस्सी की घेराबंदी के अंदर उन लोगों को रखा जा रहा है जो अभी तक सड़क पर आके खड़े हुए थे। पुलिस और पीएसी के जवान, ये देखिए देखिए हजूम आ गया, ये मैं अपने कैमरा में चाहूंगा, देखिए सबसे पहले पिक्चर्स न्यूज 18 दिखा रहा है। ये देखिए सबसे पहले ये पिक्चर्स हमारे कैमरे में कैद है कि जो भी इस अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए, जो भी इस अंतिम यात्रा में पहुंचे हैं, धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं। ये जो एक वृद्ध व्यक्ति आ रहे हैं, ये मुख्तार अंसारी के बड़े भाई बताए जा रहे हैं, जो पूर्व विधायक है, ठीक देखे सामने से आ रहे हैं। इनके साथ भी तमाम हजूम है, तमाम लोग हैं इनके साथ, और ये पूर्व विधायक है यहाँ से, और इनके बड़े भाई, इनको भी अंदर जाए, क्योंकि जिससे पहले कहा गया था गेट को क्लियर रखा गया उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि जो इनके परिवार के हैं, जो इनके ब्लड रिलेशन के हैं। अब देखिए गेट पे हजूम फिर पहुंचा, एक बार फिर पुलिस के अधिकारी इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं, लेकिन इनके साथ देखिए रोकने का प्रयास किया गया, और पुलिस से अब कहीं ना कहीं उनको देखिए उनको खुद समझाया जा रहा है कि अब सब लोग अंदर आओ। गेट पे एक बार फिर से जमावड़ा लग चुका है। ठीक है, अमित लगातार जानकारी दे रहे हैं। अब्दुल्ला अंसारी कब्रिस्तान में दाखिल हो चुके हैं, किसी भी वक्त जनाजा यहाँ पर पहुँच सकता है। अब और जैसे ही जनाजा यहाँ पर पहुँचेगा एक नमाज अदा की जाएगी, जो आखिरी नमाज होती है वो नमाज अदा यहाँ पर की जाएगी, और उसी को लेकर अंदर जो अफजाल अंसारी ने बातचीत की लोगों से। और अब देखिए पुलिस और सख्ती के साथ यहाँ पर लोगों को हटाती हुई, पीछे करती हुई, मतलब वो जो रास्ता है, गेट है कब्रिस्तान का, उस रास्ते को खाली कर रही है, खाली करवा रही है पुलिस। पुलिस नहीं चाहती है कि जब जनाजा है तो जनाजे के सामने कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति उस जनाजे के सामने आए। जनाजा जो है किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकता है। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हम लगातार जिक्र कर रहे थे रॉबिनहुड की छवि की, और जाहिर तौर पे उसी रॉबिनहुड की छवि के मद्देनजर यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा। देखिए एक और तस्वीर, पैरामिलिट्री फोर्स जीपीयू आ गए हैं यहाँ पे, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आ गए हैं, और वो अब भीड़ को काबू करते हुए भीड़ को बोल। जी अमित बोलिए। शीनम देखिए पहली तस्वीर देखिए, जनाजा पहुंच चुका है, न्यूज 18 के कैमरे में देखा जा सकता है। ये पहली तस्वीर न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को ये दिखा रहा है कि जिस जनाजे के लिए बताया जा रहा है 10 बजे तक पहुंचेगा। हालांकि भीड़ इतनी है, धीरे धीरे करके बढ़ता चला है, लेकिन सबसे पहली तस्वीर हमारे कैमरे ने इसे कैप्चर की, और अब ये जनाजा और इसमें इनका जो पार्थिव इनका शरीर है, इनको लेके यहाँ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, इन्हें सुपुर्द खाक करने के लिए बढ़ रहा है, और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है।